हेलो फ्रेंड्स, फूडी रेमेडी इन्फो के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गोंद के लड्डू बनाने का एकदम यूनिक और ट्रेडिशनल तरीका। बहुत ही यमी और हेल्दी रेसिपी है ये, जो हमारे जोड़ों के दर्द और हड्डियों को मजबूत बनाता है। ऐसे यूनिक रेसिपीज के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं बारीक कटे हुए काजू बादाम, ड्राई जिंजर, ग्रेट किया हुआ नारियल, गोंद लड्डू और आटा। आटा हमें वही लेना है जो हम अपने घर में रेगुलर रोटियां बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर 400 ग्राम के करीब में मैंने आटा ले लिया है और अब इसमें मैं घी को मेल्ट करके इसमें घी को ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ 4 टेबल स्पून घी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब घी को आटे में हम बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको 3 से 4 मिनट तक दोनों हाथों की मदद से इसको रब करते हुए, मैश करते हुए रब करेंगे और इसके बाद से इसको हम रेस्ट के लिए रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप, हम यहाँ मैंने यहाँ पर ले लिया है 100 ग्राम के करीब में गोंद। अब हम अपने कढ़ाई में जो है 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। 2 टेबल स्पून में हमारे गोंद के लड्डू बहुत ही अच्छे से फूट जाएंगे। अगर आप और भी ऐड करना चाहते हैं घी तो आप ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसमें अपने गोंद को ऐड करेंगे। जब हमारा घी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाए तब हम अपने गोंद को इसमें ऐड करेंगे और फिर इसे हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे गोंद कितने अच्छे से फूट रहे हैं और यहाँ पर बहुत ही अच्छे से फूट करके तैयार हो चुके हैं। अब अपने गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे। अब हम उसी कढ़ाई में बहुत ही ज़रा सा घी लेंगे। तो मैं यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून घी ले रही हूँ और फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपने बारीक कटे हुए काजू और बादाम और फिर हम इसे रोस्ट करेंगे। हम इसे मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक रोस्ट करेंगे। हमें इसे बहुत ही ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पर इसे रोस्ट करेंगे। इसके बाद से हम इसी कढ़ाई में अपने मोइन किए हुए आटे को एक छन्नी की हेल्प से अच्छे से छान लेंगे। आप चाहे तो सेपरेट बर्तन में छान करके फिर कढ़ाई में ऐड कर सकते हैं। मैं कढ़ाई में ही छान रही हूँ। इससे क्या होता है कि हमारे बहुत ही अच्छा रवा बन करके तैयार होता है। डायरेक्ट आटे को जो है आप अगर इसमें भूनोगे तो वो इतना अच्छे से नहीं टेस्ट देगा। अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो बहुत ही अच्छे लड्डू का टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा आटा भून करके पिंक हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे अपने ग्रेट किए हुए नारियल। नारियल को ऐड करने के बाद हम इसे 2 मिनट तक भूनेंगे लो फ्लेम पर। 2 मिनट तक लो फ्लेम पर हम इसको भूनेंगे ताकि इसका मॉइस्चर निकल जाए नारियल का। अब इस नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि हमारा जो भुना हुआ गोंद है उसे हम एक मिक्सचर जार में डालेंगे और इसको हमें बहुत ही ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है। ये देखिए हम मिक्सचर जार में डाल करके इसको 1-1 सेकंड तक 2 बार बस चलाएंगे और इसके बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकालने के बाद जो गोंद जो है नहीं पिस पाए हैं, नहीं टूट पाए हैं, उनको हम उंगलियों की हेल्प से इस तरीके से तोड़ लेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। क्योंकि हमें अपने गोंद को पाउडर नहीं बनाना है, इसे दरदरा ही रखना है। अब एक हम एक पैन लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप पानी। 1 कप पानी जो कि 100 ml के लगभग में है। इसमें हम ऐड करेंगे 200 ग्राम गुड़। गुड़ को हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें चाशनी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। हमारी चाशनी रेडी है या नहीं इसको देखने के लिए हम एक बर्तन में अपनी चाशनी को थोड़ा सा लेंगे और अपने फिंगर की हेल्प से हम इसको चेक करेंगे। अगर ये चिपचिपा लगता है तो मतलब हमारी चाशनी रेडी है। चाशनी रेडी करने के बाद हम अपने भुने हुए आटे में ऐड करेंगे ड्राई जिंजर, भुने हुए ड्राई फ्रूट्स और भुना हुआ गोंद। इन सारे इंग्रेडिएंट को ऐड करने के बाद हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें ऐड अपनी तैयार की हुई चाशनी को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। हम एक साथ सारी चाशनी ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे ताकि मिक्सचर में बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। सारी चाशनी को ऐड करने के बाद अपने मिक्सचर को हम हाथों से मैश करते हुए मिक्स करेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही हेल्दी और यमी रेसिपी है और इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब सारे मिक्सचर को हम एक साइड में इकट्ठा कर देंगे और फिर इसके लड्डू तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम ये गोंद के लड्डू तैयार करेंगे और इसका मज़ा लेंगे और अपने सेहत को बरकरार रखेंगे, हेल्दी बनाएंगे अपने सेहत को। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।